भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। एक बंदा है राजेश जायसवाल करके, जिसने मीडिया के जरिए एफबी पे मतलब सोशल नेटवर्क के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा उसने कुछ कुछ उल्टा उल्टा लिखा है, पिक्स अपलोड की है उसने, एडिट करके स्पेशली जो पिक्स मेरी मॉम के साथ या सिस्टर के साथ थी वो उसने एडिट किया, खुद का पिक उसने एड करके लगाया। और सोशल मीडिया के जरिए एफबी हुआ, मैसेंजर के जरिए जितनी मेरी फैमिली वाले हैं, दीदी हैं, जीजू हैं और भी जितने रिलेटिव्स हैं उनको बहुत गंदे गंदे मैसेज किए। और जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको वो गंदे गंदे एसएमएस कर रहा है, मेरे खिलाफ कुछ भी लिख रहा है। जबकि राजेश जायसवाल नाम के बंदे को मैंने आज तक देखा नहीं कि वो बंदा कौन है, क्या है और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। पिछले एक साल से, वन ईयर से वो कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा था, शुभी शर्मा ऐसी है, शुभी शर्मा वैसी है, तो क्या वो मुझे जानता था? नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि चलो अब शायद फैंस होते हैं, कोई बात नहीं, कुछ अपलोड करे, जाने दो, माफ़ किया। मगर एक औरत को अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है, सम्मान बहुत प्यारा होता है, कोई उसके सम्मान की साथ इज्जत के साथ अगर ऐसा ठेस पहुँचाएगा तो उसको स्टेप उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टेप उठाया, मैं गोरेगांव पुलिस स्टेशन होके आई, साइबर क्राइम होके आई, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट किया और बॉम्बे पुलिस ने मुझे बहुत कॉपरेट किया, बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। और आज वो आदमी राजेश जायसवाल करके उसको वाराणसी के अंदर उसको गिरफ्तार किया और आज वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में है और वो रिमांड पे है। और उसने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था, वो मेरे बारे में क्यों अपलोड कर रहा था, अब ये सब चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि ऐसा कोई पागलपंथी में भी ऐसा इंसान कितना अपलोड करेगा, अलग अलग अपना फेसबुक आईडी चेंज करना, अलग अलग जगह से अपने साइट से अपलोड कर रहा है, जितने मेरे फैंस हैं उनको उल्टे उल्टे मैसेज भेज रहा है, तो ये चीज़ करना गलत है। और मैंने इसलिए एक्शन उठाया कि आज मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ, आज मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ये स्टेप नहीं उठाऊंगी तो जो आम लड़कियां हैं जो घर में रहती हैं, कॉलेज के अंदर होती हैं, तो मैंने जब ये स्टेप उठाया तो मैं उनसे भी यही बोलूंगी कि कोई भी उनके साथ गलत करे या कोई भी किसी भी प्रकार से उनको टॉर्चर करने की कोशिश करे तो वो भी ये स्टेप उठाए। और बॉम्बे पुलिस या हमारे पूरे इंडिया की पुलिस उनके साथ में है, प्रशासन हमारे साथ में है, तो मैं यही चाहूँगी जैसे मैंने स्टेप उठाया एक ऐसे बंदे के खिलाफ जो मुझे नहीं जानता था, उसके बाद भी वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था मेरे बारे में उल्टा लिखना, तो वैसे पता नहीं कितनी और भी होंगी ठीक लड़कियाँ जिनके साथ ये केस हो रहा होगा बट वो स्टेप उठा नहीं पा रही होंगी। तो मैं उनको भी यही चाहूँगी स्टेप उठाए, अपनी लड़ाई खुद आगे होके लड़े, पुलिस को इन्फॉर्म करे ताकि उनके साथ कोई भी आदमी ऐसी हरकत नहीं करे। और हीरोइन होना गलत बात नहीं, आप हीरोइन हैं, आप अपने पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट एक कला मतलब पूजा होती है, तो हम वो पूजा कर रहे हैं और उसमें भी अगर फैंस का प्यार करते हैं, मगर प्लीज़ मैं जितने भी फैंस हैं या जितने भी फॉलो करते हैं हमको या किसी और भी आर्टिस्टों को, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्यार कीजिए, मतलब कला से प्यार कीजिए। आप हम चाहते हैं हमको, ठीक है हम आर्टिस्ट हैं, आपको डांस पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो आप लाइक कीजिए, मगर कभी परेशान इस हद तक मत कीजिए कि हमें ये स्टेप उठाना पड़े। और मैं अपने फैंस के लिए नहीं बोल रही, नहीं किसी और के फैंस के लिए बोल रही, सोशल एक इशू है जो मेरे साथ अभी जस्ट हाल ही में हुआ है। राजेश जायसवाल ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं सोचती थी ये बंदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने कभी देखा नहीं है, मेरा कुछ इससे झगड़ा नहीं है, ऐसा क्यों टॉर्चर कर रहा है। बाद में वो जब एक जगह से पता चला कि मुझे शुभी जी से शादी करनी है इसलिए मैं उनको बदनाम करूँगा ताकि वो मुझसे शादी कर ले, अरे मैं जानती नहीं हूँ, तो शादी तो मैं वैसे भी कर नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई इंसान, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जनरल टॉपिक पर बात कर रही, कोई किसी से अगर प्यार करता है, कोई किसी से शादी भी करना चाहता है, तो उसको बदनाम क्यों करेगा, वो झूठा बदनाम क्यों करेगा, तो ये चीज़ गलत है। और मैंने बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उसको पुलिस वाले, वो दोषी है तो उसको वो जेल में डाले और उसको अपने किए पे पछतावा होना चाहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और थैंक यू बॉम्बे पुलिस जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और थैंक यू ऑल मीडिया कि जो यहाँ पे आए और वो लोग मेरी इस बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं कि मीडिया का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जिससे ये बात घर घर तक पहुँचे कि अब लड़की अकेली नहीं है, उस पर अत्याचार हो रहा है या कोई उसे टॉर्चर कर रहा है या उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो ये स्टेप उठा सकता है, मीडिया पुलिस हमेशा उसके साथ में है। तो बस मैं इससे अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।